मौजूद है झारखंड के कोडरमा जिले में। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा एक दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया गया था। इन्होंने अभी जस्ट कुछ ही देर पहले दहेज मुक्त विवाह रचाया है, तो इनका क्या व्यूज है दहेज मुक्त विवाह को लेकर के, और क्यों ये दहेज मुक्त विवाह करते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, आइए इनसे जानते हैं और रूबरू होने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। सत्सर भगत जी। सर क्या नाम है आपका? गणेश दास। सर क्या करते हैं आप? मैं एक डॉक्टर हूँ। पूछा मैं। सर आप एक डॉक्टर हैं। डॉक्टर लोग की एक इच्छा होती है कि अगर हम अगर बड़ा होकर के डॉक्टर बनेंगे तो अच्छा खासा दहेज लेंगे, तिलक लेंगे, तो आपने भी दहेज लिया है क्या? नहीं, मैं कोई दहेज नहीं लिया। सर आपने किसी भी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया, तो आपका ये प्रेरणा कहाँ से मिला? आप ये इस तरह का विवाह क्यों करना आप पसंद करते? संत रामपाल जी महाराज का ये जो नियम है, इनका जो नियम से हमको अच्छा लगा कि जो दहेज लेता नहीं ना देते हैं, इसलिए इसमें कोई लड़का लड़की कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लड़का का मम्मी पापा का कोई भार नहीं रहता है, इसलिए हमको मिला कि जो दहेज नहीं लेना चाहिए। हम तो ऐसे कमा रहे हैं और पैसे क्या करेंगे, खुद ही कमाएंगे, खुद ही खाएंगे खिलाएंगे। सर उन तमाम लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो ऊँचे ऊँचे पोस्ट पर हैं और काफ़ी दहेज लेते हैं, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, तो उन लोगों को आप, उन युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैं इंसान हूँ, ठीक है, अगर किसी का पास से दहेज लेके हम मेरा घर चलता तो जो चोरी करता ना वो तो लाख करोड़ रुपया चोरी करके रहता और उसका अमीर बन जाता, लेकिन उन लोग अमीर नहीं बन रहा है, लास्ट में लड़का में कोई जेल में जा रहा है, ठीक है। दहेज ऐसा मत कहीं नहीं है, दहेज लेके हमारी अमीर बन जाएंगे, अगर वो ये सोचता है कि दहेज लेके हम अमीर बनेंगे वो गलत सोचता है। एक्चुअली दहेज एक कुप्रथा है, इसको किसी को नहीं लेना चाहिए। हम जो बड़ा बड़ा पद पर हैं वो लोग जो दहेज लेते हैं, ये लोग को ये बोलना चाहेंगे कि आप लोग इतना ही कमा रहे हैं तो और भी आपको दहेज चाहिए, इतना लालच कहाँ चाहिए जो आपको दहेज, इतना पैसा मिल रहा है फिर दहेज चाहिए, माता पिता का दुख देकर पैसा ले लीजिएगा, कि दहेज मत लीजिए, क्योंकि इसमें लड़का लड़की का जो अमीर है वो लोग को पैसा दे पाएगा, लेकिन जो लोग गरीब है वो लोग दे नहीं पाएगा, लास्ट में लोग आंसू निकलेगा, जब नहीं होगा शादी होगा जब गरीब लोग का, तब आंसू निकलेगा और आंसू के लिए आप भागीदार बनेंगे, ठीक है। इसलिए बता रहा कि जो बड़ा बड़ा पद पे लोग को दहेज नहीं लाना चाहिए, बेहतर है। संत रामपाल जी महाराज यही बताता है कि बेटा दहेज से लेके कितना दिन घर चलेगा, उसमें अच्छा कि परमात्मा का दहेज है, खुद कमाइए खुद खाइए, उसमें उसका घर वाला भी खुश, आप भी खुश। जी सर धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्ते सर। जिनका अभी विवाह हुआ है आप कौन लगते हैं उनका? मेरा नाम डॉक्टर शंकर कुमार मल्लिक, मैं भावरा 7 नंबर नियर शिव मंदिर धनबाद के रहने वाला हूँ। मेरा साड़ू का लड़का है, ये मेरी भाभी जी है। यानी कि आप उनके मौसा लगते? मैं उनका मौसा लगता हूँ। सर एक बात बताइए, आपके जो ये साड़ू के लड़के हैं इन्होंने आज शादी रचाया और किसी भी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया इन्होंने, तो आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं अपना, जो संत रामपाल जी महाराज की ओर से जो मुहिम चल रही है इसमें आपका क्या विचार है? ये तो बहुत ही अच्छा काम किया है, यूँ तो हमारे समाज में खास करके हमारे परिवार में हम लोग कई जगह दहेज में शादी ब्याह में दहेज नहीं लेता हूँ, लेकिन बेटी बहन का शादी में घर से दहेज देना पड़ता है। और गणेश जी ने जो काम किया बहुत ही जो है कि काबिल तारीफ, वो मेरा बेटा की तरह ही है और उनको विचारधारा से हम बहुत ही खुश हैं और मुझे आशा है कि भविष्य में लड़का लड़की बहुत ही खुशहाल रहेंगे और प्रभु का दया दृष्टि इसी प्रकार लोगों पर बना रहे कबीर साहब और श्री रामपाल जी महाराज जी का। जी सर धन्यवाद। तो ये लड़के के मौसा जी थे, इनका व्यू आपने जाना, ये बहुत खुश हैं समाज के इस तरह के कार्यक्रम से। नमस्कार मैम। सत्सर जी। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी दासी। मैम अभी इन्होंने, अभी आप लोगों का विवाह हुआ तो इन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया, तो आप इस विवाह से कितना खुश हैं और आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है कि दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए? जी हम इस विवाह से बहुत खुश हैं और ये प्रेरणा हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मिलता है। मैम उन तमाम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि लोग दहेज के लिए कुछ भी कर बैठते हैं और आए दिन अखबार में न्यूज आती रहता है कि किसी ने दहेज के लिए उसको प्रताड़ित किया, वो फांसी लगा के मर गई है ना, इसी तरह से बहुत सारा न्यूज़ आते रहता है। तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो मुहिम चलाया गया दहेज मुक्त विवाह, आपने भी प्रेरणा लेकर के दहेज मुक्त विवाह किया, तो तमाम लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो समाज के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग?
देखिए ये जो दहेज लेते हैं ये कुप्रथा है एक, और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ये जड़ से ख़त्म कर रहे हैं, और वही सबसे हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने और उनसे दीक्षा ले और मतलब अपने बेटी का दहेज मुक्त विवाह करें। तो संत रामपाल जी महाराज के अगर ज्ञान वो लोग सुनेंगे तो वो लोग भी दहेज लेना छोड़ देंगे? जी बिल्कुल छोड़ देंगे। तो आपने देखा लड़की का विचार, इन्होंने ये इनका बहुत ज़्यादा खुशी है कि इन्होंने दहेज मुक्त विवाह किया है। अब इनके यहाँ पे बहन खड़ी है, इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार मैम। सच्चा जी, आपकी बहन का आज दहेज मुक्त विवाह हुआ है, आपको कितनी खुशी है? हमें तो बहुत खुशी हो रही है, जैसे कि दहेज मुक्त विवाह हो रहा है इससे हमारे मम्मी पापा की भी खुशी हो रही है, और अगर दहेज लेते तो सिर्फ दुखी रहते, अगर हम लोग गरीब, अगर बेटी वाला गरीब रहते हैं तो दहेज नहीं दे पाते और कर्जा करके किसी न किसी तरह से बेटी का विवाह कर ही देते हैं, तो इससे बहुत मतलब कि माता पिता के ऊपर कर्जा भी होता है। तो आप यानी कि आपका जो सिस्टर को दहेज मुक्त विवाह हुआ है और आपके पिता के ऊपर एक बोझ नहीं बनेगा आज के बाद, है ना, ये दहेज को लेकर के, तो इससे आप बहुत ज़्यादा खुशी? जी सर जी जी, धन्यवाद सर। अभी लड़की के पिताजी यहाँ पे खड़े हैं, इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। सत्य सर, क्या नाम है आपका? बंसीदास। सर, आज आपके लड़की का दहेज मुक्त विवाह हुआ है और किसी भी प्रकार का यहाँ पे दहेज नहीं दिया गया, आपको इस विवाह से कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हुई। आपको ये जो विवाह हुआ इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और आपने क्यों डिसीजन लिया कि हमें दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए? इसलिए कि गुरु जी का ज्ञान देखा और जब धीरे धीरे बढ़ते गया ज्ञान को, हम जब सुना तो देखा कि ये बहुत अच्छी ज्ञान है, ऐसे तो विश्व में ऐसा ज्ञान कोई धर्म गुरु दे नहीं पा रहे हैं, और जैसे हमारे दिमाग में आ गया कि ऐसे इस तरह से इसमें हम डूबते चला गया और इस मार्ग में हम और आगे बढ़ते गए। जैसे अभी हमारा लड़की का शादी हुई तो एक तिलक दहेज नहीं लेना पड़ा, ये तो बहुत खुशी की बात हो गई, नहीं तो अभी कितने कर्ज में हमको डूबना पड़ जाता। तो इस तरह से अभी यदि सांसारिक रीति से अगर यदि देखा जाए तो संसार वाले लोग ने दहेज के लिए तो दहेज तो लेते ही लेते हैं, और जितने सब उन लोग बराती जाते हैं तो वो शराब में लेके इतने समाज में डूबे आकृतियाँ फैल गई है, जो शराब लेके जितने भी जाते हैं बराती लोग सब उन लोग शराब मतलब बच्चे से लेके छोटे से मैंने एक एक पैक दिया जाता है, अगर कोई उसका माता पिता अगर सामने में आए तो छुप के भी दिया जाता है। इस तरह से समाज ने बहुत बुराई घर किया हुआ है, और ये तो बहुत सुंदर संपन्न शादी विवाह हुआ, इससे हमको कोसों दूर रख दिया, तो ये मालिक की दया है यार सदगुरु की, इसलिए ये बहुत अच्छी बात है। सर, आपने एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा कर दिया है उन तमाम लोगों के लिए, क्योंकि अक्सर शादी में क्या होता है ना कि दारू शराब इन तमाम चीज़ों का जो नशा वाला चीज़ है उनका प्रयोग होता है, लेकिन आपने बताया कि उस तरह का चीज़ें आपने यूज नहीं किया, या जो लड़के वाले जो आए हैं उन्होंने भी इस तरह का जो चीज़ें यूज नहीं किया, तो आपको ये प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज से मिली, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन तमाम लोगों को जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं और कहीं ना कहीं कल जाकर के वो खुद का विवाह करेंगे या अपना बेटा या बेटी का विवाह करेंगे, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो ये देना चाहते हैं कि जो समाज जो है जगत का इतना हाई टैलेंट हो गया है ना, जो हमारी बातों जैसे पत्थर में पानी डालने से कोई सुनता ही नहीं है, ऐसे समाज के लोग कोई सुनता नहीं है, है ना। अब ऐसे जैसे है कि दहेज में जो जाते हैं बारात लोग, इन लोग सब कितने शराब लेके ये सब इसी तरह से लेके सब लोग जाते हैं, है ना, और बहुत से आकृतियां हैं जो देखने को मिल जाता है, छोटे छोटे बच्चे जो है हम देखते हैं, है ना, कि वो जो है बीड़ी और सिगरेट, है ना, पीते हैं, ये समाज को दिख नहीं रहा है, क्योंकि इतने बच्चे को नास्तिक होते जा रहा है, डूबते चले जा रहे हैं। और इस बात को अमल नहीं, अगर यदि हम कोई भी बात अगर समाज के अंदर में इस बात को रखते हैं तो मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन फिर भी सर आप इस वीडियो के माध्यम से बात रख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज की ओर से उन तमाम लोगों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक जागृति लाने का प्रयास करेगा, तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए संदेश जो है ये तो संदेश मैं तो दे नहीं पाएंगे, है ना, ये तो मालिक ही करेंगे संदेश, लेकिन कुछ तो बोलना चाह रहे हैं कि जैसे अभी जितने नेता और सब प्रधानमंत्री सारे ये सब जितने हैं सराज ये समाज को चला रहे हैं, सारे सब कुछ रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, अभी जो है सरकार ने हमारी जो है अभी ये जो रामलील जो का इथी हुआ उद्घाटन हुआ, ये सभी ने सरकार को कहने पर सभी ने झंडा फहराए, सारे सब कुछ किए, है ना, लेकिन प्रधानमंत्री अगर यदि ये बोल
सर, दहेज मुक्त विवाह से संबंधित आप क्या बताना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज की ओर से? दहेज मुक्त विवाह, ठीक है।